नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और सुनील इलेक्ट्रिकल के अंदर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर, जो 5 वोल्ट का अडेप्टर होता है उसको 12 वोल्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इस पर एक वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये 5 वोल्ट का अडेप्टर मैंने ले लिया है। आज इसको 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना, हम देखेंगे किस प्रकार ये कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट तो हो जाएगा, इसकी आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाएगी, लेकिन ये सक्सेस कितना रहता है, क्या ये वोल्टेज जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होगी वो सिर्फ मल्टीमीटर में दिखाने लायक ही होती है, या फिर इस वोल्टेज को हम काम भी ले सकते हैं, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर उसकी चर्चा करूंगा। इसको बनाकर देखेंगे 12 वोल्ट का। और इस टॉपिक पर वैसे टेक्नोमित्रा और एसके इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी वीडियो बनाई है, लोड लगाकर इसे टेस्ट करेंगे कि ये किस प्रकार कितना लोड ले रहा है, कामयाब है या नहीं है। तो वीडियो में बने रहना दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों, ये इसकी एसी सप्लाई वाली वायर है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे एसी वोल्टेज देकर और इसकी आउटपुट जो वोल्टेज है मैं चेक करवा देता हूँ आपको कि कितनी वोल्ट निकाल रहा है पहले ये। तो इसको मैं सप्लाई से जोड़ देता हूँ। देखिए, इसकी एलईडी है वो जलने लग गई है, और मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट की रेंज में सेट कर लेता हूँ। और ये इसकी तो वायर कनेक्ट कर ली है इसकी एसी की, और सप्लाई दे दी है। तो ये देखिए, ये लगभग 5.5 वोल्ट के करीब है वोल्टेज दे रहा है, 5.63 और 6.4 के करीब वोल्टेज दे रहा है। तो अब इसको 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो इसकी सप्लाई कट कर देते हैं और इसको एक साइड में कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इसकी आउटपुट वोल्टेज चेंज करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है 10 वोल्ट और 470 माइक्रोफेरेट का लगा हुआ है ये कैपेसिटर, तो सबसे पहले ये कंपोनेंट चेंज करना होगा। दो कंपोनेंट चेंज करने होंगे उसकी आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये कैपेसिटर मैन है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज हम इसकी बढ़ाएंगे तो अब ये 10 वोल्ट का जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये ज़्यादा वोल्ट के कारण खराब हो जाएगा, फट जाएगा ये। तो इसकी जगह हमें दूसरा लगाना होगा। दूसरा कौन सा लगाना होगा, 16 वोल्ट, या तो 220 माइक्रोफेरेड का ले लेना या 16 वोल्ट 470 माइक्रोफेरेड का, कोई भी इसकी जगह आप लगा सकते हैं। तो ये 10 वोल्ट का है तो इसकी जगह में पहले मैं 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा देता हूँ, तो इसको बाहर निकाल लूँगा। और इसकी जगह ये है 16 वोल्ट वाला, तो ये मैं लगा देता हूँ। कैपेसिटर लगाते समय पॉजिटिव और नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है, ये उल्टा अगर लगा दिया आपने तो ये फट जाएगा। तो ये कैपेसिटर है, मैंने चेंज कर दिया इसको, और 16 वोल्ट का कैपेसिटर इसके अंदर लगा दिया है। अब दूसरा काम हमें क्या करना होगा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो जिनर डायोड लगे हुए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छी तरह से। एक तो जिनर डायोड ये है और एक जिनर डायोड ये है। इन दोनों जिनर में से एक डायोड है जिसकी जगह पर या तो हमें दूसरा जिनर डायोड लगाना होगा 12 वोल्ट का, और अगर 12 वोल्ट का जिनर नहीं है तो एक मैं आपको रास्ता और भी बताऊंगा, जिससे हम 12 वोल्ट के जीनर के बिना भी हम इसको 12 वोल्ट का अडप्टर बना सकते हैं। तो इन दोनों में से जिस पर भी 9V लिखा हो, जो वोल्ट को इंडिकेट करता है, 9V वाले जो जिनर डायड है उसकी एक लेग निकाल लेनी है, इस दूसरे को नहीं छेड़ना है जिस पर 48 लिखा हुआ है। एक पर 48 लिखा रहता है उसको नहीं छेड़ना है, और एक पर लिखा होगा 9V, तो हमें उसकी एक साइड बाहर निकाल लेनी है। अगर 12 वोल्ट का जिनर है तो सारे को बाहर निकाल लेना है इसको, अगर हमारे पास 12 वोल्ट का जिनर नहीं है तो इसकी एक साइड है हम बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको इसे जूम करके दिखा देता हूँ कैमरे में से। देखिए, ये वाला जो है ना यहाँ पर लगा हुआ, इसको हम यहाँ से एक इसकी लेग है वो बाहर निकाल लेंगे, और इसकी सीरीज में हम, हमारे पास 12 वोल्ट का अगर जिनर नहीं है तो इसकी सीरीज के अंदर हम 6 वोल्ट का एक जिनर और लगा देंगे। तो मैं इसकी ये वाली जो लेग है इसको बाहर निकाल लेता हूँ सोल्डरिंग आयरन की मदद से। तो इस जिनर की मैंने एक वाली साइड है ये निकाल दी है बाहर, और
इस जिनर के दूसरी साइड में एक सीरीज के अंदर इसके एक जिनर डायोड और लगाना होगा, 6.2 वोल्ट का जिनर लगाऊंगा मैं। अगर आपके पास पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास इस प्रकार का ये दूसरा भी सर्किट कोई पड़ा होगा तो इसमें से निकाल लेना है। 6.2 वोल्ट का जिनर है यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये देखिए ये है, तो इसको बाहर निकाल कर मैं इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करूँगा। तो ये भी मैं निकाल लेता हूँ जल्दी से। ये देखिए मैंने ये 6.2 वोल्ट का जिनर है, तो ये आपको इसके सीरीज के अंदर कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर एक बात आपने सीरीज में कनेक्ट करते हुए हमेशा ध्यान रखनी है, सीरीज में इस प्रकार कनेक्ट करना है, इसके यहाँ पर है ना कोई भी पट्टी वाला साइड नहीं है, इसके यहाँ पर जो लगा हुआ है, जो सोल्डरिंग किया हुआ है इसकी एक लेग, वो पट्टी वाली साइड है, तो यहाँ पर ये वाली साइड है वो बिना पट्टी वाली साइड है। तो इसकी जो सीरीज में कनेक्ट करूँगा तो इसकी जो पट्टी वाली साइड होगी, ये वाली जो साइड है ब्लैक पट्टी जहाँ पर दी हुई है, ये वाली साइड उससे बाहर मैं इधर कनेक्ट कर लूँगा, और ये जो बच गई है ये वाली बिना पट्टी वाली साइड, ये मैं पीसीबी पर सोल्डरिंग कर दूंगा। तो पहले मैं इस प्रकार इसको लगा देता हूँ, देखिए इस प्रकार इसको कनेक्ट कर लेना है। देखिए ये वाली साइड मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दी है, इस प्रकार आपने लगा लेनी है, और ये जो है दोनों को इनको मिलाकर और यहाँ पर भी सोल्डरिंग कर देना है सीरीज में। इस प्रकार आप कनेक्ट कर सकते हैं, इतना ही काम हमने करना है। तो अब इसको सप्लाई देकर इसकी वोल्टेज पहले चेक करते हैं कि कितनी वोल्टेज ये निकाल रहा है। तो मैं इसे सप्लाई देता हूँ फिर से, साथ में इसे लोड भी देकर देखेंगे कि ये कितना लोड है वो उठा रहा है। ये देखिए इसके अंदर इसकी LED भी जलने लग गई है, और मल्टीमीटर से इसकी पहले तो वोल्टेज चेक करते हैं कि कितनी वोल्टेज ये दे रहा है आउटपुट में। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आप देख रहे हैं मल्टीमीटर के अंदर, ये पूरा 10 वोल्ट भी नहीं निकाल रहा है, और 12 वोल्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसके लिए, लगभग 2 वोल्ट के करीब है वो, ये कम वोल्टेज दे रहा है। तो पहला तो ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर ही फेल हो जाता है कि ये पूरी वोल्टेज 12 वोल्ट का अडेप्टर बन ही नहीं पाता है, थोड़ा सा उससे कम रहता है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में, लगभग ये 10 वोल्ट के करीब ही आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा है। तो इसके बाद में बारी आती है कि इस पर हम लोड लगाकर देखते हैं क्या ये 10 वोल्ट भी है जो हम काम में ले सकते हैं, या फिर ये मल्टीमीटर के अंदर ही शो कर रहा है जिसे हम काम में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इस पर लोड लगाकर देखते हैं हम। तो ये LED लाइट है, इस पर जलाकर देखते हैं हम किस प्रकार ये जल रही है। देखिए दोस्तों, जल तो ये रही है, लेकिन 12 वोल्ट का जो अडैप्टर होता है उससे थोड़ा कम प्रकाश है इसका। तो आप देख लेना, अगर दोस्तों इसे छोटे लोड चला सकते हैं। ये जो अडैप्टर होता है, मैं आपको बता देता हूँ, 5 वोल्ट पर ये 800 mA तक का लोड है वो उठा सकता है, अगर इसे 5 वोल्ट पर हम काम में लेते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया, अब इसकी वोल्टेज बढ़ा दी है, तो अब ये लगभग 400-500 mA तक का ही लोड उठा सकेगा, क्योंकि हम अडैप्टर की वाट नहीं बढ़ा सकते। वोल्टेज और एम्पियर थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसकी वाट है आउटपुट वाली, वो हम इसकी चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी जितनी वाट जितनी भी थी इसकी, वो उतनी ही रहेगी, वोल्टेज बढ़ा दी है तो उस हिसाब से इसकी जो लोड लेने की एम्पियर वाली जो क्षमता थी वो इसकी घट गई है। वोल्टेज बढ़ गया है लेकिन एम्पियर है इसका वो घट गया है पहले से। पहले 800 mA के करीब ये लोड ले रहा था 5 वोल्ट पर, तो इसकी वोल्टेज हमने लगभग डबल कर दी है, 10 वोल्ट के करीब कर दी है, तो अब ये लगभग 400 एम्पियर के तक का ही लोड ले सकता है। तो ये मैं एक बार इतना भी टेस्ट कर लेता हूँ कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई हीट तो नहीं हो रही इसके अंदर, कोई भी लोड लगाया है तो इसके अंदर। तो मैं इसको एक बार सप्लाई इसकी कट कर देता हूँ और फिर इसे देखते हैं कोई कैपेसिटर वगैरह कोई लोड के कारण। देखिए ये दोस्तों, दोनों ही जो ट्रांजिस्टर है ना, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं लोड देने के कारण। तो मुझे तो दोस्तों ये लग नहीं रहा कि ज़्यादा ये कामयाब है, इसके अंदर बस नाम मात्र का ही इसके अंदर है। अगर छोटा लोड चलाना चाहते हैं हम, छोटी बड़ी कोई LED कोई अगर चलाना चाहते हैं इस पर, तो चला सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी इस पर बड़ा लोड लगा दिया तो ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है ये जल्दी ही ख़राब हो जाएंगे। अगर ये भी मैं LED है वो थोड़ी सी ज़्यादा देर जला देता हूँ, 15 मिनट के करीब मेरे को लग रहा है ऐसा, कि अगर मैं 15 मिनट के करीब इसे अगर जला देता हूँ तो ये जो ट्रांजिस्टर है दोनों ही इसके उड़ जाएंगे। अगर आप इसे छोटे लोड के लिए यूज़ करना चाहते हैं तब तो ये आप इस प्रकार वर्क
करके इसके कंपोनेंट चेंज करके आप इसे बना सकते हैं। तो आपको मैंने दिखाया भी है, ये इतनी बड़ी एलईडी है, ये अच्छी तरीके से इस पर जल रही है, बस थोड़ा सा वोल्टेज के कम होने के कारण इसकी जो रोशनी है वो कम है। अगर लेकिन अगर आप इसे बड़ा लोड चलाना चाहते हैं तो बड़ा लोड इस पर नहीं चलाया जा सकता, ज़्यादा वाट वाला नहीं चलाया जा सकता, छोटे छोटे लोड है, खासकर इसे एलईडी के लिए ही यूज़ किया जा सकता है, या छोटी कोई 12 वोल्ट की मोटर वगैरह चलानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके अंदर काम में लिया जा सकता है, और इससे हम कोई बड़ा लोड नहीं चला सकते। तो अगर आपको इस प्रकार की रिक्वायरमेंट है कि छोटा लोड चलाना चाहते हैं तो इसे इस प्रकार बना सकते हैं आप, नहीं तो आप अडेप्टर ही खरीद लें, इससे कुछ नहीं चलने वाला है, छोटी एलईडी ही चलेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को दोस्तों अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर जो भी नए व्यूवर हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ वो किस टॉपिक पर बनाऊँ, उस पर जल्दी ही वीडियो बनाऊँगा। तो कृपया दोस्तों आप बता दिया करें कमेंट के अंदर किस टॉपिक पर आपको वीडियो की आवश्यकता होती है, तो मैं उसी पर वीडियो बनाऊं ज़्यादा। तो दोस्तों धन्यवाद।